वेलकम बैक माई YouTube फैमिली। सो आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने पावर पिवट को कंप्लीट समझना है। इसमें बिल्कुल मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक पावर पिवट को सिखाने वाला हूँ। तो ये हमारी इस प्लेलिस्ट का एपिसोड नंबर 1 है जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पिवट को देखना है। बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो हम इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है जी व्हाट इज पावर पिवट, सेकंड वन व्हाट आर द यूजेस ऑफ पावर पिवट एंड थर्ड हाउ टू एक्टिवेट द पावर पिवट। तो वन बाय वन हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। सो सबसे पहले तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि पावर पिवट क्या है। व्हाट इज पावर पिवट? बेसिकली ये एक्सेल का एक एडिन है जो कि पावरफुल डेटा एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो बात की बात है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें डेटा मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टेबल्स होते हैं, उन टेबल्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर जो हम अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, इसके अंदर जो हम अपना डेटा एनालिसिस करते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आप उसको नॉर्मल एक्सेल से कंपेयर करेंगे और इसकी रिपोर्टिंग को नॉर्मल एक्सेल की रिपोर्टिंग से कंपेयर करेंगे, इसकी जो रिपोर्टिंग है, इसका जो एनालिसिस है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। उसका डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होगी। थोड़ा सा मजीद हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, पावर पिवट को समझते हैं कि पावर पिवट बेसिकली क्या है। तो पावर पिवट में जो सबसे पहली चीज है वो डेटा मॉडल है। डेटा मॉडल का मतलब है कि हमारे पास कुछ टेबल्स होते हैं, उन टेबल्स के दरमियान में हम कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन बनाने के बाद हम उनसे रिपोर्टिंग करते हैं, उनसे हम एनालिसिस की रिपोर्ट्स बनाते हैं, एनालिसिस करके रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। दूसरी चीज इसमें डैक्स है। DAX means Data Analysis Expression. DAX एक Data Analysis की लैंग्वेज है जो कि Power Pivot का पार्ट है। बेसिकली ये एक सेट ऑफ functions है, मिसाल के तौर पर सम, सम एक्स, एवरेज, कैलकुलेट, फिल्टर। तो ये कुछ examples हैं DAX functions की। Lastly इसमें Pivot Table है और ये जो Pivot Table हम Power Pivot के थ्रू बनाते हैं, ये Pivot Table जो हमारा एक नॉर्मल Pivot Table होता है उससे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी फ्लेक्सीबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसमें एनालिसिस करने के जो फंक्शंस हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो ये जो पावर पिवट से हम पिवट टेबल बनाते हैं, ये टेबल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसका एनालिसिस का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है। तो ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि व्हाट इज पावर पिवट। दूसरा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था इसमें कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ पावर पिवट, के पावर पिवट को हम कब कब और क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी रीजन है वो ये है कि अगर हमने एक्सेल के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा रोज का डेटा एनालिसिस करना है तो उसके लिए पावर पिवट बेस्ट है। अगर मैं ये नॉर्मल एक्सेल शीट की बात करता हूँ ना, तो देखो इसमें जो मैक्सिमम रोज है वो 1 मिलियन है। तो 1 मिलियन से ज्यादा अगर मेरे पास डेटा है तो उसका मैं एनालिसिस कैसे करूंगा, तो उसका एनालिसिस मैं पावर पिवट के थ्रू करूंगा। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि पावर पिवट के अंदर मेरे पास फंक्शंस बहुत सारे हैं, यानी कि डैक्स की मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे मेरे पास फंक्शन बहुत ज्यादा है, मेरे पास बहुत ग्राउंड है प्ले करने के लिए, मेरे पास बहुत सारे फंक्शन है, मैं बहुत सारे एनालिसिस कर सकता हूं और आसानी से कर सकता हूं। मसलन के वो एनालिसिस नॉर्मल एक्सेल की अगर बात करूं उसमें मुश्किल होंगे, लेकिन इसमें वो एनालिसिस बहुत ज्यादा आसानी से मैं कर पाऊंगा। तीसरी बात ये कि अगर मेरा डेटा किसी CSV में पड़ा है या टेक्स्ट फाइल में पड़ा है या फिर किसी डेटाबेस में है, इवन के आप किसी डेटाबेस को भी डायरेक्ट उसके लिंक दे के इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपका डेटा कहीं पर भी पड़ा हुआ है, किसी CSV फाइल में है, टेक्स्ट में है, किसी DB में है, जहां पे भी आप सिंपल पावर पिवट से उसको कनेक्ट करेंगे और आप उसके ऊपर डैक्स लगा के और वो जो डेटा मॉडलिंग का सारा आपको बताया वो सारी चीजें उस पर इंप्लीमेंट करके आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरी बात डैक्स फंक्शंस के, इसमें डैक्स फंक्शन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, डैक्स फंक्शंस का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है, वो उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं जो सिंपल एक्सेल में इम्पॉसिबल है करने। इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप पावर पिवट को समझ लेते हैं तो आपको 2 फायदे होंगे कि आप इसको एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं और साथ आप इसको पावर BI में भी यूज कर सकते हैं। ये वही बात है ना कि सीखनी आपने एक चीज है लेकिन इस्तेमाल आप उसका 2 जगहों पे कर सकते हैं। और हमारा जो थर्ड और लास्ट वाला इसमें क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ टू एक्टिवेट पावर पिवट। तो आए इसको हम देखते हैं कि हमने पावर पिवट को एक्सेल में किस तरह से एक्टिवेट करना है। मैं ये अपनी फाइल में आ गया हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये पावर पिवट की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है, यानी कि मैंने इसको पहले से एक्टिवेट किया हुआ है। आपके पास ये यहाँ पे नजर नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ से फाइल में आएंगे, उसके बाद आपने ऑप्शंस में आ जाना है,
ऑप्शंस में आने के बाद एडिंस में आ जाना है। यहाँ से आपने ये कॉम एडिंस इस पर क्लिक करना है, इसको गो करना है। यहाँ पे देखें ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल, ये मैंने ऑलरेडी इसको चेक किया हुआ है, आपके पास ये अनचेक होगा। तो आपने इसको चेक करके इसको अगर आप ओके करेंगे तो आपके पास ये पावर पिवट की ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। तो बेसिकली जो हमारा एपिसोड नंबर 1 था उसमें हमने देखना था कि पावर पिवट क्या है, पावर पिवट को क्यों यूज करना है और पावर पिवट को किस तरह से हमने एक्टिवेट करना है। तो ये तीनों चीजें हमने आज के इस एपिसोड नंबर 1 में कर ली हैं। आगे एपिसोड नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे और इससे आगे सीखना शुरू करेंगे। तो चलें, सी यू इन द एपिसोड नंबर 2।